ये जो आपने पूरा अभी लिस्ट बताई ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोग इट इज अनफादमेबल फॉर अस, इनमें दो चीजें और हैं, वो है एक तो ये एयरपोर्ट का बनना, ये दिल्ली से भी बड़ा एनसीआर बना देगा मुंबई का, मतलब नासिक तक, पुणे तक, नवी मुंबई तक, ये बहुत बड़ा फैलाव होने वाला है। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज हो रही है, और यहाँ छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूंगा, एज अ सिविक रिपोर्टर 40 साल पहले मैं धारावी की रिपोर्टिंग करता था, तब से पुनर्वसन सुनते थे, लेकिन अब ये होता हुआ दिख रहा है। हमको लगता है कि जो अब नई दुनिया बनने वाली है, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, उसमें मुंबई उस जगह के लिए, टेक ऑफ के लिए रेडी है। और उसमें मैं धारावी के बारे में आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इसमें लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है। आपने बहुत सही बात कही, धारावी की बात जैसा आपने कहा 40 सालों से चल रही है लेकिन हो नहीं पाता था। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था हमने पहले इसका पूरा अभ्यास किया कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और मूल रूप से इसमें दो प्रॉब्लम हमारे को विशेष रूप से नजर आए। एक, लोगों का पुनर्वसन वही करना है, पुनर्वास वही करना है, लोगों को वहीं पर घर देना है। लोगों को अगर वहीं पर घर देना है तो कोई ना कोई लैंड हमको चाहिए कि जिसपे हम पहले कंस्ट्रक्ट कर पाए और लोगों को वहाँ शिफ्ट कर पाए और यहाँ पर वापस हम लोग बना पाए। अब वो लैंड भी धारावी में ही हमको चाहिए, ये तो लोगों का विश्वास हम नहीं जीत सकते। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि वहाँ पर रेलवे की लैंड है, और हम लोग केंद्र सरकार के पास गए, हमने कहा कि ये लैंड हमको दीजिए। मोदी जी ने तुरंत हम लोगों को लैंड दी, हमने उसमें पैसे भर के उस लैंड को खरीदा, तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल हो गया। और अब इसमें लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, जो पात्र लोग हैं उन सबको वहीं पर हम घर देने वाले, किसी को बाहर नहीं ले जाएंगे। दूसरी चीज मेरे ध्यान में आई कि धारावी केवल झोपड़पट्टी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सेंटर है। जो चीजें धारावी, आप तो इतने बार गए, जो चीजें धारावी में बनती है वो और कहीं बनती नहीं है। दुनिया का कोई भी ब्रांड जैसे के वैसे धारावी में आपको मिल जाएगा, इतना वहां पर लोगों में काम करने की ललक है, लोग काम करते हैं। तो मेरे ध्यान में आए कि आप जैसे ही इनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाओगे तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहते फॉर्मल इकोनॉमी, तो हमने उनका भी पुनर्वास वही पूरे तरीके से प्लान किया, उनको सारी कॉमन फैसिलिटीज तैयार करके दी ताकि वो और अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर पाए। और हमने कहा कि 5 सालों तक फॉर्मल इकोनॉमी में आने के बाद इनको GST वगैरह कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमने उनको टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया। फिर इसमें तीसरी बात ये थी, ये सब तो कर लिया लेकिन धारावी में करीब 1 लाख लोग ऐसे कि जो पात्र ही नहीं है, क्योंकि पहले 2001 तक के लोग पात्र थे, मैंने कानून तैयार किया 2011 तक के लोगों को पात्र किया, लेकिन 11 के बाद वालों का क्या है, वो भी तो उनको हटाए सिवा या उनको घर दिए सिवा आप वहां पुनर्वास तो नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने उसमें भी मार्ग निकाला, हमने कहा मानवता का दृष्टिकोण होना चाहिए, इन लोगों को हम लोग अकोमोडेट करेंगे, इनके लिए भी हम घर बनाएंगे, इनके लिए घर बनाते समय शायद थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, ये पात्र नहीं है वैसे तो इनको घर ही नहीं मिल सकता, तो 5-7 किलोमीटर में कहीं पर हम लोग प्लॉट्स देखकर इनके लिए भी घर बनाएंगे और हम इनको रेंटल हाउसिंग देंगे, लेकिन 10 साल बाद वो घर उनका होगा। तो जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था उस निर्णय का पालन करते हुए उसमें से हमने मार्ग निकाला। तो आज ऐसा है कि धारावी में जो पात्र है 2011 तक का, उसको वही घर मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, बेटर घर मिल रहा है, जो बिजनेस करता है उसको वही बिजनेस करना है, और जो पात्र नहीं है, जिसको डिस्प्लेस किया जाता, जिसको कुछ नहीं मिलता, उसको भी घर मिलने वाला है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश का नहीं, दुनिया का अपने अपने अनूठा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को अब कोई प्रॉब्लम हमने रखा नहीं है, सारे प्रॉब्लम इसके दूर किए, इसका काम जल्दी शुरू हो रहा है, एक्चुअली शुरू हो ही चुका है, सर्वे वगैरह अभी चल रहा है, और धारावी जब बनेगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया के लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से गरीबी के साथ हम लड़ाई करके उसको पराजित कर सकते हैं और गरीबों को अधिकारिता दे सकते हैं।